हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप एवरीथिंग इज फाइन। वेलकम टू ड्रोन ट्रैक डॉक्टर वंस अगेन। तो काफ़ी दिन हो गए थे इस हफ्ते का क्यू एंड ए नहीं आया था। एक सब्सक्राइबर ने सुबह भी लिखा था एंड आज मैंने एक सिनेमेटिक वीडियो डाला था मशीन का। वो वैसे ही मैं बीच में ऐसे करता रहता हूँ एक्सपेरिमेंट्स, तो आई लव मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेमेटिक शॉट्स। तो वो एक एक्सपेरिमेंट था, तो प्लीज़ उसको भी थोड़ा अप्रिशिएट कीजिए और अपने कमेंट जरूर लिखिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन आंसर सेशन। अगर आप नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर हम देते हैं ड्रोन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग रूल्स रेगुलेशंस एवरीथिंग अबाउट ड्रोन्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मेरे हाथ में मेरा फ़ोन और अब मैं पढ़ने वाला हूँ आपके कमेंट्स। और ये सेशन हम करते हैं हफ्ते में एक दो बार, और जितने भी कमेंट्स आते हैं आई ट्राई टू टेक देम इन दिस एपिसोड। ट्राई करते हैं मैक्सिमम लेने की। अगर किसी का अगर नहीं भी आता है तो प्लीज़ दोबारा कमेंट कर दें, तो आपका ज़रूर नंबर आएगा डेफिनेटली। तो स्टार्ट करते हैं विनय कुमार जी का। सर, कोई माइक्रो एसडी कार्ड का लिंक दीजिए जो मेवी केयर के लिए बेस्ट हो, क्योंकि मैं नॉर्मल कार्ड यूज़ कर देख चुका हूँ, फोटो स्मूथ नहीं मिलता। तो इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था विनय जी, आपको पता होगा। और अगर इसको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। हमारे जो ड्रोन्स हैं, अगर स्पेशली 4K ड्रोन जो होते हैं, तो वो जो कैमराज हैं, चाहे वो ड्रोन ही है या कोई कैमरा है, फास्ट कैमरा होते हैं जो 4K, काफ़ी ज़्यादा 4K में काफ़ी ज़्यादा डाटा कैमरा जो है रिकॉर्ड करता है। तो उसको फिर रिकॉर्ड करके ट्रांसफ़र करना होता है कार्ड के ऊपर, ताकि आपको वो इमेज मिल सके। तो इस पे बहुत डिपेंड करता है कि कार्ड की स्पीड क्या है ट्रांसफ़र की। अगर कार्ड आपने नॉर्मल डाल दिया, स्लो कार्ड डाल दिया, तो वो आपकी जो फुटेज है सारी बर्बाद हो जाएगी। तो हमेशा फास्ट कार्ड, फास्टेस्ट कार्ड हो सके तो वो रखिए। तो देखना चाहते हैं लिंक कौन सा मैंने बताया था, मैंने एक्सट्रीम कैटेगरी का सैंड डिस्क का कार्ड रिकमेंड किया था, एक्सट्रीम प्रो सैंड डिस्क 16GB, 64GB, 128GB, जो भी आपको पसंद आए। और उसके लिंक मैंने इस वीडियो में दिए थे, जिसको लेना है वो ले सकता है। आई हैव अ स्पार्क, आई एम ट्रैवलिंग टू थाईलैंड, विल आई हैव फेस एनी प्रॉब्लम व्हाइल रिटर्निंग बैक टू मुंबई? हाउ शुड आई डिसमेंटल माय ड्रोन एंड वेयर शुड आई कीप द रिमोट कंट्रोलर? ये नंदेश शुक्ला जी थोड़ी डिटेल में पूछ रहे हैं। डिटेल में बेसिकली डिसमेंटल आपने इसलिए करना है क्योंकि आपका ड्रोन पकड़ा जाए, क्योंकि इलीगल एट प्रेजेंट, क्योंकि कोई रेगुलेशन में है नहीं। अगर आप ले जाना चाहते हैं अपने ड्रोन, तो उसको डिसमेंटल का मतलब होता है कि आपने प्रोपेलर्स अलग बैग में रखने हैं, कंट्रोलर अलग बैग में, बैटरीज अलग, मतलब 3-4 बैग अगर आपके पास हैं तो उसमें इक्वली डिवाइड कर लीजिए, जिसमें मर्जी जो मर्जी डालिए, ऐसा कुछ नहीं है। सर, मैं वेडिंग फोटोग्राफर हूँ, कोविद साहू जी कह रहे हैं। मेवी केयर में ISO रेंज कम होने के कारण मुझे लो लाइट में शूट करने में प्रॉब्लम होती है, उसके लिए कोई सजेशन दीजिए प्लीज़। देखिए, अब ISO कम है का रेंज का ऑप्शन मेवी केयर में इतना उन्होंने नहीं दिया गया है कैमरे के ऑप्शन में। तो बेसिकली आपको थोड़ा प्रोफेशनल हाई, मतलब अबव कैटेगरी में जाना पड़ेगा, मेवी 2 प्रो जिसमें हैसलबैल्ट का कैमरा है, या फैंटम सीरीज़ में जाना पड़ेगा लो लाइट में शूटिंग करने के लिए, क्योंकि उनमें सेंसर साइज़ मेवी केयर से बड़ा है। तो सेंसर साइज़ बड़ा होने की वजह से लो लाइट उसकी कैपेबिलिटी बढ़ती है ड्रोन्स की, मेविक 2 प्रो की, और कैमरा हैसलबैल्ट का कैमरा है, तो ये प्रॉब्लम आपकी उसी में शूट होगी। बाकी मेविक एयर का जहाँ तक सवाल है, मेविक एयर का तो यही ऑप्शन है कि आपको लाइट वाले एरियाज़ में ही उसको उड़ाना पड़ेगा, ताकि अच्छी फोटेज लेनी है। तो अदरवाइज ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है कैमरे के अंदर इनबिल्ट जो आप कर सकें। आपको ड्रोन ही बदलना पड़ेगा इफ़ यू वॉन्ट टू शूट इन लो लाइट। सर, मेरे पास मेविक प्रो प्लेटिनम है, फ्लाइट के टाइम पर रिमोट कंट्रोल एरर आ जाता है, बेस्ट माइक्रो USB केबल बताएं? रिमोट कंट्रोलर एरर कौन सा, कनेक्टिविटी का एरर आता है? देयर आर मेनी एरर्स, आप थोड़ा स्पेसिफाई करें तो पता लगेगा। बाकी माइक्रो USB केबल कोई भी अच्छी क्वालिटी की अगर आप लगाते हैं तो वो वर्क करेगी, ज़्यादा सस्ते के चक्कर में जाएंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो वैसे जो एक्सेसरीज हैं, ऑलवेज जो भी चीज़ है, चाहे ड्रोन है चाहे मोबाइल है, हम क्या करते हैं, मोबाइल ड्रोन काफ़ी अच्छा ले लिया, उसके बाद एक्सेसरीज हम सस्ता ढूंढते हैं, तो ये बहुत गलत मेंटेलिटी है मेरे हिसाब से। इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा एक्सेसरीज, ड्रोन एक्सेसरीज पे, कि हमेशा जो भी आपने एक्सेसरी लेनी है तो बिल्कुल डाउन, मतलब सस्ते के लिए मत जाएं, क्वालिटी देखें। क्वालिटी जब आप देखेंगे थोड़ा सा महंगा आपको पैसे भरने पड़ेंगे, पर वो आपके महंगे ड्रोन की लाइफ बढ़ा सकते हैं, आपका एक्सपीरियंस बढ़ा सकते हैं। तो ऑलवेज़ गो फॉर गुड क्वालिटी, और इसमें कुछ आपको नहीं देखना, आपको अच्छे से रेट देखना है। रेट देखेंगे तो जो मिडिल में जाके अच्छी क्वालिटी, आपको अपने आप थोड़े रिव्यूज़ पढ़ लीजिए तो आपको पता लगेगा क्वालिटी अच्छी है, महंगा है पर क्वालिटी अच्छी है, तो वही चीज़ लीजिए। हर्षवर्धन सिंह जी कह रहे हैं, व्हाट आर द बेस्ट कैमरा सेटिंग फॉर स्पार्क
which is not 4K. Please advise. You are the best person to explain this. Thank you very much for your appreciation. Mr. Vardhan Singh ji, Spark is a, agar main kahun professional, matlab acche consumer drone mein starting mein aata hai, to isme aapko zyada options nahi hai camera mein. So उसमें आप सेटिंग्स का यही है, सिर्फ एक दो सेटिंग्स आपको है कि स्पोर्ट मोड में अगर आप वीडियो शूट कर रहे हैं तो उसको स्पोर्ट मोड में, अगर आपने सिनेमैटिक शॉट लेना है तो डोंट यूज स्पोर्ट मोड. और सेकेंडली, थोड़े अच्छे शॉट्स लेने के लिए सेटिंग्स की बात करें तो स्पार्क के भी कुछ फिल्टर्स आते हैं, तो वो आप लगा सकते हैं, क्योंकि अंदर से कैमरे में सेटिंग्स की इतनी ऑप्शन नहीं है उसमें. तो कैमरा रखें डिफ़ॉल्ट पे, 1080 पे वो शूटिंग करता ही है, उसमें आप चेंज कर नहीं सकते, फ्रेम्स आप चेंज कर नहीं सकते उसके. तो अंदर इंटरनल सेटिंग नहीं है, जो आप मैनिपुलेशन उसमें कर सकते हैं थोड़ी बहुत, वो फिल्टर से कर सकते हैं. तो फिल्टर्स के सेट आते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि इस पे वीडियो बने तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कि इस बाग के फिल्टर्स पे आप वीडियो बनाइए, तो डेफिनेटली आई विल मेक. होप आपका आंसर मैंने दे दिया. अभी अगर कह रहे हैं सर, डीजे हैज रिलीज अ न्यू वीडियो, देर इज स्पेशल लॉन्च ऑन जून 11. जून 11 की बात करें तो जून 11 पे आपको सबको पता है कि डीजे का रॉबर्ट S1 रॉबर्ट हुआ है, और उस पर मैंने वीडियो बना दिया है, तो आप देख सकते हैं. 11 जून का काम हो गया, काफ़ी बार उन्होंने एक ही कमेंट कर दिया है. सर जी कह रहे हैं थैंक्स सर, वो उनका मैंने SD कार्ड वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया था. योग एस पूछ रहे हैं डिफरेंस बिटवीन 1080p एंड 4K. तो जिसको नहीं पता उसके लिए बता देता हूँ, बेसिकली दीज आर रेजोल्यूशन. रेजोल्यूशन मतलब जो आप पिक्चर वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे या कहीं पर भी, उसकी कुछ क्वालिटी वाइज आता है उसका. आप उसमें सेटिंग में जाएंगे ना वीडियो की, वहाँ पर आपको क्वालिटीज़ पता लग जाएंगी वीडियो की, कि 720p उससे नीचे भी आती हैं, 340p जो पहले फ़ोन आते थे ना उस पर छोटी स्क्रीन, जैसे आजकल जियो फ़ोन में जो आता है वीडियो, वो सबसे पुअर क्वालिटी है. तो उसके बाद जब फोन में आपको 720p पे दिखता है, ये क्वालिटी रेजोल्यूशन की क्वालिटी है, कितने पिक्सल में आपको वीडियो दिख रहा है. तो 1080p का मतलब कि 1080p पिक्सल्स उसमें है डिवाइडेड स्क्रीन, और 4K में 4000 मतलब ज़्यादा पिक्सल्स हैं उसमें. तो जितने ज़्यादा पिक्सल डेंस होते हैं उतनी ज़्यादा क्वालिटी आपकी वीडियो की बढ़ती है, और उसके साथ साथ उतना ही हैवी वीडियो जाता है और उतना ही ज़्यादा नेट वो खींचता है. तो यही डिफरेंस है दोनों का, कि 1080p और 4K में यही डिफरेंस है कि 4K का जो इमेज आपको मिलेगा, जो वीडियो मिलेगा, वो ज़्यादा डेंस मिलेगा, ज़्यादा डिटेल्ड होगा, ज़्यादा हाई क्वालिटी का होगा, ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर होगा, और ज़्यादा नेट खींचेगा जब उसको प्ले करेंगे, और मेमोरी भी ज़्यादा खाएगा. ऑन द अदर हैंड 1080p कम, उसका रेजोल्यूशन कम है एज़ कम्पेयर टू 4K, छोटा वीडियो है, लाइट वीडियो है, नेट कम खाएगा. इससे नीचे वाले भी रेजोल्यूशन आते हैं, पर यही दो काफ़ी पॉपुलर है. और अभी जब जो मेरे वीडियो देख रहे हैं इस टाइम, ये फुल HD यानी 1080p में भी मेरी मोस्टली वीडियोस हैं. जुगल जी कह रहे हैं मेक अ गुड लोगो फॉर योर चैनल एंड चेंज द एग्जिस्टिंग प्रोफाइल पिक्चर. ये काफ़ी लोग मुझे पूछ बोल चुके हैं, श्योर आई विल डू दैट. एंकर पावर पर ब्रदर कह रहे हैं लुक्स नो नाइस. सो बीच में मैं टेक्निकल जो मैं चीज़ें खुद यूज़ करता हूँ तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, तो इसलिए मैंने एंकर का पावर बैंक आपको बताया था. हर्षवर्धन जी कह रहे हैं माई डीजे स्पार्क इज ओवर हीटिंग अलॉट सर, सर यू कैन यू एक्सप्लेन द पॉसिबल रीजन, प्लीज़ पुट इन क्वेश्चन आंसर. ऑल्सो प्लीज पुट आउट द बेस्ट कैमरा सेटिंग फॉर स्पार्क विच इज़ नॉट 4K एज यू हैड इट, थैंक्स. सेटिंग्स का मैंने आपको बता दिया, यू कैन यूज़ फिल्टर्स. बाकी ओवर हीटिंग का कारण हो सकता है आप अच्छे से बैटरी को कंज्यूम कर रहे हैं. आर यू गेटिंग योर ड्रोन लैंडेड आफ्टर द बैटरी कम टू 5% और 10%? क्या आप अपने ड्रोन को तभी उतारते हैं जब 5-10% रह जाती है, या 40% पे जब वो वार्निंग आती है तब उतारते हैं? तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर है. अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो यही कारण है आपके ओवरहीटिंग होने का, क्योंकि ये रिकमेंडेड है कि जो ड्रोन्स की भी बैटरी है DJI की स्पेशली, इस तरह से प्रोग्राम की जाती हैं कि उनको 30 या 40% पे जब वो बी बचता है कि लो बैटरी, तब उसको नीचे उतार लेना चाहिए. अगर उससे ज़्यादा आप उसको उड़ाएंगे, मतलब 5% में नीचे उतारेंगे, तो वो बहुत ओवरहीट होती है, क्योंकि ज़्यादा कंज्यूम होती है, और ये आपकी बैटरी के लिए भी नुकसानदान है. ज़्यादा आपकी जल्दी बैटरी ख़राब हो जाएगी, थोड़ी देर में आप देखेंगे वो स्वेल करने लग जाएगी. तो इसका सलूशन यही है कि आप अपने ड्रोन को 40% पे नीचे उतार लें, और फिर जब तक वो ठंडा नहीं होता तब तक, मतलब बैटरी ठंडी नहीं होती तब तक उसको चार्जिंग पे मत लगाएं. और तीसरा, जब आप चार्जिंग पे लगा रहे हैं और जब वो चार्ज हो गया तो उसको वहाँ से हटा लें. ये लिखा जाता है कि ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, बट स्टिल फॉर द गुड बैटरी लाइफ यू शुड प्लग इट ऑफ फ्रॉम द सॉकेट. होप आपको पता लग गया होगा. व्हाट इज द यूज ऑफ
प्रेस बटन, ये किसी और वीडियो से आ गया, सॉरी। गिरी दत्ता कह रहे हैं आरसी कार रिलीज होगी, ये उन्हीं के ऊपर कह रहे हैं, बट वो रॉबर्ट रिलीज हो चुका है। होप आपको कैसा लगा रॉबर्ट, प्लीज बताइए। क्लीनन जी, सेम्स नथिंग फॉर द मोमेंट राइट, और व्हाट्स इज डीजे टॉम ड्रोन, इट इज नॉट ए ड्रोन। ये उसी पे बात कर रहे हैं जो मैं कह रहा था क्या निकलने वाला है। वेडिंग शूट के लिए कौन सा अच्छा है, ड्रोन, मैविक 2 प्रो या मैविक 2 जूम? मेरे हिसाब से मैविक 2 प्रो, क्योंकि उसका कैमरा आपको ज़्यादा अच्छा ऑप्शंस प्रोवाइड करवाता है आपके हाई एंड सिनेमेटिक वीडियोस बनाने के लिए। आई एम गोइंग टू यूएसए दिस मंथ, सो कैन आई ब्रिंग मैविक एयर फॉर माई सेल्फ, आई विल कीप इट इन द कैम बैग, ईशान जी पूछ रहे हैं। ये मेरे पास है पहले से, लाइक आई अज्यूम लाइक दैट, विल आई स्टिल फेस प्रॉब्लम्स? यस, मैंने आपको काफ़ी बार बताया कि मुंबई एयरपोर्ट जो मर्जी इंडिया पे एयरपोर्ट्स पे अभी ड्रोन्स आर नॉट अलाउड, एंड इफ़ यू कैरी दैट एंड इफ दे कैच इट इट दे कैन कन्फिस्टिकेट। तो बेस्ट सोल्यूशन इज डिसमेंटल इट एंड 90% इट वर्क्स, 10% रिस्क इज स्टिल देयर। मैं इंस्पायर टू बाय करना चाहता हूँ तो कौन सा ऑनलाइन साइट पे मिलेगा? इंस्पायर टू अभी फिलहाल ऑनलाइन पे कहीं नहीं मिल रहा है, काफ़ी मुश्किल है क्योंकि काफ़ी महंगा ड्रोन है इंस्पायर टू। ये आप लेना चाहते हैं तो आपको मुंबई जैसे शहर में जाके डीलर से लेना पड़ेगा। फिलहाल तो आपको वेट ही करनी चाहिए क्योंकि अभी रेगुलाइजेशन चल रही है, सारा कुछ चल रहा है, तो थोड़ी देर बाद वेट कर लें। अगर अभी जल्दी है तो मुंबई जैसे या दिल्ली जैसे शहर में आपको जाके लेना पड़ेगा। मैं डीजे फेंटो 4 प्लस लेना चाहती हूँ पर कहाँ से मिलेगा? दिल्ली से मिलेगा, मुंबई से मिलेगा, कहीं से भी आप ले सकते हैं। ये कितने का प्राइस है, ये रॉबर्ट की बात कर रहे हैं, $500 इज द प्राइस, बाकी इंडिया में अभी पता लगता है, लेट्स सी। वाई देर इज अ डिले इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ड्रोन्स, एनी स्पेसिफिक रीजन? स्पेसिफिक रीजन इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हर एक सरकारी काम इंडिया में टाइम लेता है, धीरे धीरे होता है, तो यही कारण है मिस्टर शेरिया डिले का। निक्सी ड्रोन के बारे में पूछ रहे हैं, इंडिया में कब अवेलेबल होगा? ये सब वेट कर रहे हैं, अभी लॉन्च इनका ऑफिशियल हुआ नहीं है, जब होगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा डेफिनेटली। सर आई एम लिविंग इन ओडिशा बट आई वांट टू बाय अ डीजे ड्रोन, वेयर आई विल बाय इन ओडिशा? अगर ओडिशा पे लेना चाहते हैं कोई ड्रोन तो अमेजोन से बाय कर लीजिए, जो ऑनलाइन डिलीवरी कर देंगे, सेफेस्ट सोर्स है। सर नैनो ड्रोन के इम्पोर्ट करने के लिए ETA लेना पड़ेगा, इम्पोर्ट अभी आप कोई भी ड्रोन नहीं कर सकते, तो प्लीज़ इम्पोर्ट मत करें, दैट इज़ नॉट अलाउड, कॉन्फिस्टिकेट हो जाएगा, चाहे नैनो ड्रोन या टॉय ड्रोन क्यों ना हो। सर सुबह क्वेश्चन आंसर कर लो, शाम हो गई है सर, मिस्टर हर्षवर्धन दिन कह रहे हैं, तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा आज के, अभी आप देखेंगे तो काफ़ी हो गए क्वेश्चंस। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन सेशन, तो आपका कोई भी क्वेरी आपके दिमाग में हो रिलेटेड ड्रोन्स तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और जिसका क्वेश्चन नहीं आया तो सॉरी, तो नेक्स्ट टाइम जरूर आएगा, आप दोबारा से कमेंट कर दें तो फिर से ऊपर आ जाएगा, तो मैं उसको माइंड में रखूंगा। तो होप आपको पसंद आएगा वीडियो एंड आज का क्वेश्चन सेशन। थैंक यू वेरी मच, कीप रॉकिंग एंड कीप फ्लाइंग सेफ, थैंक यू, जय माता दी।